अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम मेड के जो पीएस को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में लाजमी बात है, जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं, टेक्नीशियन इंजीनियर वगैरह, उनके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और जो लोग रिपेयरिंग का काम नहीं भी करते और उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के सीखने में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए भी ये बड़ी काम की वीडियो साबित होगी। उनके ज़ेहन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि एक इंजीनियर बंदा कैसे एक सर्किट को देख के उसमें से कोई एक कंपोनेंट जो है वो चेंज करता है तो पूरा सर्किट ठीक हो जाता है। उसको कैसे समझ लग जाती है कि हज़ारों की तादाद में कंपोनेंट्स हैं और कौन सा पुर्जा चेंज करना है। तो ये देखें, फॉर एग्जांपल होम मेड का एक यूपीएस है, एग्जा 1204 इसका मॉडल है, जो ऑलरेडी हमने खोल के रखा हुआ है। तो जो टेक्नीशियन बंदा होता है या इंजीनियर है, उसके लिए ये रिपेयरिंग का काम करना इतना आसान क्यों है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कोई भी सर्किट है, फॉर एग्जांपल यही इसी की बात अगर कर लेते हैं हम मिसाल के तौर पे होम मेड यूपीएस का सर्किट है, तो उसको सर्किट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पूरा सर्किट डायग्राम होता है उस सर्किट का, उसमें जितनी स्टेजेस हैं स्टेज वाइज वो हर स्टेज को जानता होता है और कौन सी स्टेज क्या काम कर रही है यूपीएस के अंदर, उसका फंक्शन क्या है, अपना उसका रोल क्या है, वो उसको पता होता है सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, कि एक टेक्नीशियन के लिए यूपीएस रिपेयर करना इतना आसान क्यों होता है, वो कैसे रिपेयर कर लेता है यूपीएस को। फॉर एग्जांपल ये एक यूपीएस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 से 4 स्टेजेस हैं, उसके बाद जाके हमारी जो बैटरी के 12 वोल्टेज होते हैं वो 220 वोल्ट में तब्दील होते हैं। पहले मैं आपको ये स्टेजेस बताता हूँ कैसे होते हैं। ये जो हमारे 12 वोल्ट बैटरी की लीडें आ रही हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं, यहाँ से हमारे 12 वोल्ट जाते हैं। और इसकी स्टेज जो है, स्टेज नंबर एक, उसको आप ये समझ लें, पहली स्टेज में आपके ये दो हीट सिंक, इनके साथ लगे हुए ये मॉस्फेट FET जिसको हम बोलते हैं, इनका नंबर है IRF 3710। ये 4 पीस इधर लगे हुए हैं, 4 इसके साथ लगे हुए हैं। थोड़ी सी रोशनी ऑन कर लूँ। पहली स्टेज में हमारे आगे ये 12 वोल्ट बैटरी के, अच्छा सॉरी, पहले ये आपको बता देता हूँ कि इसने स्टेजेस कितनी हैं, काम क्या करवाना है एक इंजीनियर ने, जो जिसने यूपीएस बनवाया है उसने काम कैसे करवाना है। उसने सबसे पहले ये जो 12 वोल्ट डीसी हैं इनको कन्वर्ट करना है 350 वोल्ट एसी में। 350 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर एक ब्रिज आगे लगाएगा और उससे ये कन्वर्ट करेगा 350 वोल्ट एसी को 350 वोल्ट डीसी में। जब वो 350 वोल्ट डीसी बन जाएंगे तो वो फिर ये वाला इन्वर्टर, इसका पोर्शन, इन्वर्टर का पोर्शन है ये वाला, 350 वोल्ट डीसी को फिर ये दोबारा कन्वर्ट कराएगा 220 वोल्ट एसी में, और वो हमारी फाइनल आउटपुट होगी जो हम आगे 220 वाली कोई भी चीज़ उसके ऊपर चला सकते हैं। अच्छा, ये 3-4 जो स्टेजेस हैं, 3-4 वो काम करवाता कैसे है या इसमें यूपीएस में कैसे काम हो रहा होता है, वो ये देखें। ये हमारी पहली स्टेज, ये वाले वोल्टेज आए हमारे 12 वोल्ट, जो कि इसको हम कहते हैं बूस्टर स्टेज, इंजीनियरिंग की जुबान में इसको कहते हैं बूस्टर स्टेज। ये बूस्टर है, बूस्टर में अब कितने चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये भी एक इंजीनियर को पता होता है। ये दो हीट सिंक लगे हुए हैं, इनके साथ FET लगे हुए हैं, IRF 3710 इनका नंबर है। अब एक इंजीनियर बंदे को बेसिकली ये जो IRF 3710 है इसका पूरा डाटा भी उसके पास होता है, वो इसको इंटरनली जानता होता है कि इसकी कौन सी जो लग है वो इनपुट की है, कौन सी आउटपुट की है, इसको ख़राब हो तो कैसे चेक करना है, इसको सही हो तो कैसे पता चलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। बट अभी फ़िलहाल हम स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। ये 12 वोल्ट इसके आए, इसकी पहली स्टेज है बूस्टर, जिसको हम बूस्टर कहते हैं। उसका काम क्या है, 12 वोल्ट डीसी को 350 वोल्ट एसी में तब्दील करना। अच्छा, वो स्टेज इसकी कौन सी है ये देख लेते हैं। ये 12 वोल्ट हमारे आए, ये बूस्टर स्टेज हमारी ये है, जिसमें दो हीट सिंक, ये 4 और 4, ये 8 FET IRF 3710, ये वाले कैपेसिटर, ये डायरेक्ट बैटरी के ऊपर वोल्टेज के ऊपर लगे हुए हैं, और ये इसकी बूस्टिंग की IC है, ये वाली PWM IC है, इसका नंबर है KA3525 इसका नंबर है, PWM IC है ये वाली। अब बूस्टर हमारी जो स्टेज है उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ये दो आपके हीट सिंक होंगे, एक ये आपकी IC होगी और एक ये चापर होगी, ये चापर ट्रांसफार्मर। जब ये माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इस पे सिग्नल देगा कंट्रोलर,
तो ये यहाँ से इसकी आउटपुट पिनें जो हैं, अब वो इंजीनियर बंदे को ये भी पता होता है इसकी आउटपुट पिनें कौन सी हैं, इनपुट पिनें कौन सी हैं, इसकी ग्राउंड कौन सी है, इसकी पॉजिटिव वोल्टेज किस पे आ रहे हैं। ये रिपेयरिंग इतनी आसान नहीं है, थोड़ी सी डिटेल में जानने की ज़रूरत होती है उसको। तो ये इसका बूस्टर फंक्शन है, एक यूपीएस का बूस्टर स्टेज है जिसमें 3525 आईसी, ये IRF 3710, दोनों साइडों के हीट सिंक लगे हुए और ये चापर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसमें आप जब यूपीएस कोई भी चेक करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका बूस्टर फंक्शन, क्योंकि इनिशियल स्टेज इसकी है, इसका बूस्टर फंक्शन काम कर रहा है। ये 12 वोल्ट जो डीसी हैं उनको 350 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अगर ये काम कर रहा होगा तो उसकी निशानी ये होगी कि इस चॉपर के बाद आपको 350 वोल्ट एसी मिलेंगे। एसी, उन एसी वोल्टेजेस को फिर ये चार डायोड, अगर आपको नज़र आ रहे हो ये वाले चार डायोड हैं, मॉस्फेट की शक्ल में लगे हुए लेकिन ये है डायोड, ये चार डायोड जो है ये एक ब्रिज की शेप में लगाए गए हैं। ब्रिज होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे इस बूस्टर स्टेज के बाद जो 350 वोल्ट एसी बने थे यहाँ पे इस चॉपर पे, उसको इन्होंने चार डायोड लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो 350 वोल्ट डीसी हमारे पास आ गए, ये आएंगे इस कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्ट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके ऊपर डायरेक्ट आएंगे 350 वोल्ट डीसी। 350 वोल्ट डीसी आने के बाद हमारे ये इन्वर्टर की स्टेज है जिसमें ये अपना 5 FET लगे हुए हैं IRF 3710, और इनको जो पल्स आएगी, कंट्रोल पल्स जो आएगी इसके गेट पे, जो कंट्रोल पल्स आएगी वो आएगी माइक्रो कंट्रोलर से। माइक्रो कंट्रोलर का भी आपको मैं थोड़ी डिटेल से बताता हूँ। तो ये अभी हम फिलहाल स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इसकी होगी बूस्टर स्टेज जिसमें ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये ब्रिज है, ब्रिज के बाद 350 वोल्ट डीसी आ गया इन्वर्टर के पास इस कैपेसिटर के ऊपर, और ये जो इन्वर्टर है ये फिर इन 350 डीसी वोल्टेज को दोबारा 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, और इस रिले के थ्रू हमारे आउटपुट का, ये आउटपुट का जैक है, ये हमारे आउटपुट, हमारी फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी स्टेजेस की अगर हम बात करें, उसमें क्या हो गया, ये हमारा बूस्टर हो गया जिसमें एक आईसी, ये दोनों मॉस्फेट हीट सिंक और ये चॉपर, और उसमें ये भी इसी में इन्वॉल्व कर लें ये चार डायोड, क्योंकि इसके बाद ही जाके फाइनल 350 वोल्ट डीसी बनते हैं। तो एक टेक्नीशियन बंदा जो है वो इसी तरह चेक करता है यूपीएस को स्टेज वाइज, सबसे पहले ऑन करता है और वो देखता है क्या ये पोर्शन, बूस्टर पोर्शन काम कर रहा है। अगर काम कर रहा होगा तो लाजमी बात है इस कैपेसिटर के ऊपर 350 वोल्ट डीसी आ जाएंगे, उसको उसको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा जो इधर से लेकर ये वाला पोर्शन है ये सारा ओके है। तो वो इसको छोड़ देगा, इसके ऊपर काम ही नहीं करेगा, बजाय इसके कि इसके एक एक कंपोनेंट को चेक करे वो इसको फिर छेड़ेगा ही नहीं, इसको काम ही नहीं करेगा, वो काम करेगा इससे आगे आगे। और इससे आगे कैसे काम करेगा, ये जो लगी हुई है FET IRF 3710, इसके ड्रेन और सोर्स के ऊपर ये वाले 350 वोल्ट आगे। अब इसके गेट के ऊपर जो पल्स आनी है तो इन्होंने काम करना है। अब इसके गेट को लेके वो ट्रेस करेगा, इसके गेट पे जो पल्स आ रही है वो आ रही है माइक्रो कंट्रोलर से। ये माइक्रो कंट्रोलर चिप है, इसके इसमें प्रोग्रामिंग है सारी यूपीएस की, किस इन बूस्टर की भी पल्सें और इस इन्वर्टर की भी पल्सेस जो गेट पे आएंगी वो ये माइक्रो कंट्रोलर चिप दे रहा है आपको, तो वो ट्रेस करेगा। बहरहाल ये फिलहाल इस वीडियो में ओवरव्यू है यूपीएस का, स्टेजेस का एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये दो चीज़ें, ये FET, ये चॉपर और ये डायोड, ये आपका बूस्टर हो गया, 350 वोल्ट बन गया आपके यहाँ पे। अब ये आपका इन्वर्टर है, ये उसको कन्वर्ट करेगा 220 में। अगर इस स्टेज की बात करें तो ये है पावर सप्लाई स्टेज। यूपीएस अगर बिल्कुल डेड है, ऑन ही नहीं हो रहा, तो फिर वो इंजीनियर बंदा, टेक्नीशियन बंदा इस सारे सर्किट को नहीं देखेगा, वो देखेगा सिर्फ पावर सप्लाई सर्किट को। पावर सप्लाई जो स्टेज होती है इसकी निशानी क्या होती है थोड़ी बता देता हूँ आपको। ये एक चॉपर लगी हुई होगी, एक मॉस्फेट लगा हुआ होगा, एक इसकी PWM IC लगी हुई है 3843 या 45 होती है, और इसके करीब तरीन काफ़ी सारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ये एक निशानी है किसी भी सर्किट की पावर सप्लाई स्टेज की। ये इस बोर्ड को ऑन करती है बेसिक जो 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बनते हैं माइक्रो कंट्रोलर के लिए और बाकी रिलेज वगैरह के लिए, वो बनते हैं यहाँ से। यानी कि अगर बिल्कुल डेड है UPS, तो फिर बजाय वो FET और वो चीज़ें सारी चेक करने के, एक टेक्नीशियन बंदा सीधा इसको देखेगा, पावर सप्लाई को, इसी में वाल्ड होगा, यहाँ से ट्रेस करेगा वो। ये एक इस वीडियो में था ओवरव्यू होमेज UPS को रिपेयर करने का, कि एक टेक्नीशियन के लिए इसमें। अच्छा, एक चार्जिंग सेक्शन आपको बता दें, चार्जिंग सेक्शन इसमें, चार्जिंग जो स्टेज है उसमें एक ये चॉपर इन्वॉल्व है, ये वाली चॉपर,
एक एसी हीट सिंक जो दोनों हैं इनके साथ, ये देखिए इधर भी चार लगी हुई हैं, इधर भी चार लगी हुई हैं मॉसफेट, ये हैं बूस्टर के, इसके साथ एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये एक हीट सिंक पे, ये डबल डायोड कहते हैं इसको। चार्जिंग में एक ये इन्वॉल्व होगा, दूसरी आपकी ये वाली चार्जिंग की चॉपर है ये इन्वॉल्व है, और इस साइड पे ये आपके जो दो एफ ई टी लगे हुए हैं बड़े साइज़ के, इसका नंबर है K4115, किसी मुख्तलिफ नंबर का भी हो सकता है। आपके चार्जिंग के स्टेज में ये दो मॉसफेट, ये चॉपर, ये वाला डबल डायोड, और इसके बाद आपका ये वाला ब्रिज, ये वाला ब्रिज, ये चीज़ें आपकी शामिल हैं चार्जिंग स्टेज में। तो सबसे पहले आपको स्टेज वाइज यूपीएस का पता होगा, चेक कैसे करना है यूपीएस को, कौन सा फॉल्ट है, किस पोर्शन में चेक करना है, तो फिर ही आप एक होम में यूपीएस को रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी डिटेल से चिप लेवल की रिपेयरिंग जो होम में यूपीएस की है, कितने फॉल्ट हैं, सारे फॉल्ट कैसे दूर किए जा सकते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है या लगता है कि ये थोड़ी यूनिक है, क्योंकि इससे पहले मैंने तो इस लेवल की कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और रिपेयरिंग की मुकम्मल डिटेल हम आपको बताएंगे, और इसके जो फॉल्ट हैं 30-40% ऐसे फॉल्ट होते हैं होम में यूपीएस में, जो एक कोई भी आम यूज़र जो इसका यूज़र है होम में यूपीएस का, किसी भी इन्वर्टर का, वो घर ही पे उसको सेट कर सकता है, ओके कर सकता है। और बाकी उन सारे फॉल्ट के बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये मालूमात आपको देंगे कि इसकी कंप्लीट जो आप रिपेयरिंग है वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पावर सप्लाई पोर्शन है, तो बताएंगे कि पावर सप्लाई वाले पोर्शन में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उसकी इंडिकेशन क्या होती है, और उसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं। इसी तरह बूस्टर में क्या कौन कौन से फॉल्ट आते हैं वो बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इन्वर्टर में किस किस्म के फॉल्ट आते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर में या चार्जिंग सेक्शन में किस किस तरह के फॉल्ट आते हैं, और उनको कैसे रिपेयर किया जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।